हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्विक फिन में। फ्रेंड्स, बिहार सरकार की तरफ से जो कृषि इनपुट अनुदान रवि का आवेदन लिया गया था, वो 3 महीने यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में लिया गया। तो इन तीनों का महीने का स्टेटस कैसे चेक करना है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टेटस चेक करने का ऑप्शन आ गया है, इसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया या नहीं आया, आया तो किस अकाउंट में आया और अभी तक नहीं आया तो इसके क्या कारण है। तो ये सारा डिटेल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स घर बैठे मोबाइल फोन से, आप डायरेक्ट DBT के ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके। तो कैसे करेंगे ये सारा प्रोसेस, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको DBT का ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको पढ़ना पंजीयन नंबर निकाल लेना है। यहाँ से आप अपना पंजीयन नंबर निकाल लीजिएगा। पंजीयन नंबर निकालने के लिए आप तो आप मोबाइल नंबर या तो आधार नंबर कोई भी चीज़ यहाँ पर डाल के देख सकते। तो मैं यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल के पंजीयन नंबर निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पंजीयन नंबर निकाल लिया फ्रेंड्स। इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको आना है, उसके बाद आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रिंट करें, फिर से यहीं पे आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रिंट। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है इनपुट सब्सिडी रबी मौसम अप्रैल प्रिंट। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च और यहाँ पे देख सकते हैं ये फरवरी के लिए था। तो जिस भी माह में आप आवेदन किए थे, फरवरी, मार्च या अप्रैल, तो यहाँ पे मैं इससे पहले दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है वो फरवरी में 15 लाख आवेदन हुआ था, मार्च में 13 लाख और अप्रैल माह में 8 लाख। तो ये तीनों माह में जो भी माह में आप आवेदन किए थे वहाँ पर आपको आना है, उस प्रिंट को आपको निकाल लेना है। ये अप्रैल का है, ये मार्च का है, ये फरवरी का है। तो मैं आपको मार्च का निकाल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रिंट कर लेना है, यहाँ पे जो आपने पंजीयन नंबर कॉपी किया था उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना प्रिंट जो है फिर से आ जाएगा फ्रेंड्स, जो आपने आवेदन करते वक्त लिया था। तो वो प्रिंट से यहाँ पे आपको ये वाला पंजीयन आवेदन संख्या लेना है, जो सुखार का जो पंजीयन नंबर होता है ये वाला आपको लेना है। इसको आपको आप कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद फिर से वहीं पे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड लिंक पे क्लिक करना है, इनपुट सब्सिडी रबी मौसम असमय वर्षा ओलावृष्टि आंधी फरवरी मार्च महीने में आवेदन की स्थिति, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों माह का यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जिस भी माह में आप आवेदन किए थे उस माह पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आवेदन कॉपी किए थे उसको फिर से आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस इनका आ गया रिजेक्टेड बाय AC, रिजेक्टेड डेट 3/5/5 तीसरा महीना 2020, यानी कि 5 मार्च 2020 को इनका फॉर्म 7:16 में रिजेक्ट कर दिया गया था। और रिमार्क्स में इनका आधार विवरण त्रुटि था। अब मैं फ्रेंड्स दूसरा जिनका पास हो गया उनका क्या स्टेटस बताता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने नेक्स्ट व्यक्ति का एक का पंजीयन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इनका पंजीयन नंबर निकाला, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे ले गया। प्रिंट से यहाँ पे मैंने इनका आवेदन ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका में लिखा गया आपके बैंक खाते, खाते का 4 संख्या पहले फिर 4 संख्या लास्ट का, अनुदान की राशि दिनांक 5 मई 2020 को 8:33 AM में भेज दी गई है, कृपया बैंक खाते की जाँच कर लें। तो ये स्टेटस आपको दिखाएगा अगर आपका बैंक खाता में पैसा चल जाएगा तो। फ्रेंड्स अगर आपका बैंक खाता में पैसा नहीं जाएगा तो यहाँ पे लिखेगा कि आपका आधार और बैंक से NPCI लिंक नहीं होने के कारण आपका पैसा बैंक में हस्तांतरित नहीं किया गया, कृपया बैंक से जाके आपको NPCI लिंक करवाएं। तो ये अगर आपका पैसा नहीं जाएगा, अगर पास हो गया आवेदन तो वो दिखेगा। तो आप यहाँ से आसानी से किसी भी माह का फरवरी, मार्च और अप्रैल का स्टेटस आसानी से घर बैठे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो का कोई भी कोना अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।